तो ये रहा हमारा छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा, ये रहा हमारा तार। भर देते हैं इसमें हम लोग पानी। डाल देते हैं इसमें हम लोग चीनी स्वाद अनुसार। और ये रहा हमारा चाय पत्ती। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस मिस्टर एक्सपेरिमेंट हैकर चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बनाए हुए मैकेनिज्म से चाय बनाने वाले हैं। तो आपको तो पता ही होगा हमने इसके ऊपर पहले भी दो वीडियो बना चुकी है जिसमें हमने अपने पानी को स्ट्रीम तक गर्म किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने चाय को बनाएंगे अपने मैकेनिज्म से। तो चलिए फटाफट अपने मैकेनिज्म को करते हैं तैयार, उसके बाद चाय बनाना शुरू करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें और वीडियो तो अच्छा लगेगा ही तो अभी से ही कर दे लाइक। अब शुरू करते हैं। ऑल सेट, तो हमें अब सिंपली अपने इस मैकेनिज्म को अपने इस चाय में, मतलब बिना उबाले हुए चाय में डालना है। उसके बाद अपने इलेक्ट्रिसिटी को करना है ऑन, फिर देखते हैं क्या होता है, जो हमारा चाय है बनता है या फिर नहीं। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने भी इसे पहली बार ही कर रहा हूँ। ऑल सेट, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करना है। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे ऑन, यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा पानी में छोटे छोटे बुलबुले निकलना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो चाय है वो पूरी अच्छी तरह से बन जाएगा और हम लोग अपने चाय को अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा चाय है कितना मजा, मतलब अच्छी तरह से बन रहा है। और ये उधिया मतलब खोल इतना रहा है कि ये बाहर भी निकल जाएगा। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं, मुझे तो देखने में भी डर लग रहा है। ओह माय गॉड, ये तो अचानक ही, ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना तेजी से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। मुझे मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने इस मैकेनिज्म से कि हम लोग अपने इस मैकेनिज्म से अपने इस ब्लैक टी को बनाएंगे। तार को इसके बाहर निकालते हैं, उसके बाद अपने देख सकते हैं कि जो हमारा ये मैकेनिज्म है वो कितना गजब तरीके से लग रहा है। वो माय गॉड, ये तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है। तो आपने देखा कि हम लोग अपने इस मैकेनिज्म से, मतलब ये आप भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से अपने इस मैकेनिज्म से चाय को बनाया। तो चलिए फटाफट अपने चाय को निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा चाय कितना अच्छी तरह से तैयार हुआ है। तो ये रहा हमारा डिस्पोजल, ये रहा हमारा चाय छन्नी जिसमें हम लोग चाय को छानते हैं। तो माय गॉड, आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये चाय है इतना परफेक्ट तरीके से बना है इसके अंदर, मतलब अपने मैकेनिज्म से। मैं तो इसको जरूर पीऊंगा। वाह, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा चीनी
कम पड़ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में आया हो मजा और हमारे इस मैकेनिज्म से चाय बनाने का प्रोसेस में आया हो मजा तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।